तो आ गए एकदम प्रोफेशनल वीडियो देखने क्योंकि आप लोगों को तो पता चल चुका है कि कितने प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाता हूं मैं अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसकी बात करो तो फिर मेरा पिछला वाला वीडियो जाके देखो बहुत मजा आया था मेरे को बनाने में आप लोगों को देखने में लेकिन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मतलब मैं पूछने वाला था कि मैंने क्या पहन रखा है गैस कर लो लेकिन वो तो सभी लोग गैस कर लेंगे तो फिर आप गैस करो कि मैं ये वीडियो खड़े होकर बना रहा है बड़े हो बैठ के बड़े होके <coughs> क्या लगता है वो होने के बाद अब बात करते हैं आज के वीडियो की देखो जब मैंने यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो फिर मैंने एक्सपेक्ट जरूर किया था कि लोग मेजोरिटी वोट देंगे कि देखा नहीं है मैंने पूछा था कि क्या आप लोगों ने जेसन बोन की ट्रेलिजी देखी उसमें ऑप्शन थे हाँ नहीं देखा नहीं है मुझे लग रहा था देखा नहीं को ज्यादा आएगा लेकिन इतना ज्यादा ये तो बहुत ज्यादा हो गया मतलब मेरा चैनल आप लोग कब से देख रहे हो और इस मूवी का रिकमेंडेशन मैंने इतनी बार दिया है की अगर आप लोग को एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो फिर ये आपको चेकआउट करना चाहिए फिर भी नहीं किया या मजाक में वोट दिया है देखा नहीं करके अब इसके कारण इस वीडियो के अंदर इस मूवी को लेके मैं ज्यादा डिटेल में पॉलर्स वगैरह बात नहीं कर सकता क्योंकि इतने लोगों ने नहीं देखा तो फिर ये एक नॉर्मल रिव्यू ही समझ लो और अगर आप लोगों ने सच में नहीं देखा है तो फिर आप जाके चेकआउट करो जैसन बॉन की फ्रेंचाइज क्योंकि मैंने इस वीडियो के थमदेल में जो लिखा है ना जॉन विक को लिखे वो मजाक में नहीं लिखा है अगर आप जॉन विक और जैसन बॉन दोनों की फ्रेंचाइज को कम्पेयर करोगे तो फिर बहुत सारी सिमिलरिटीज है इनमें थमदेल क्लिक नहीं था भले आप लोगों को लगे ना लगे लेकिन ईमानदार है मैं तो देखो अब सबसे पहला क्वेश्चन की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं जेसन बॉन की वो है क्या एक्चुअल में वो एक फिल्म फिल्म फ्रेंचाइज है जिसके अंदर अब तक पांच मूवीज आ चुकी हैं टोटल जिसमें से देखने लायक तो तीन ही है पहली की तीन मूवीज बॉर्न आइडेंटिटी बॉन सुप्रीमसी और बॉर्न अल्टीमेटम जिसके अंदर के मेन कैरेक्टर यानी कि जेसन बॉन का रोल प्ले किया मैट डेमन ने और इन्होंने बहुत सारे स्ट्स खुद परफॉर्म किए हैं मूवी के अंदर जस्ट लाइक जॉन विक मतलब जॉन रिव जितने नहीं किए होंगे लेकिन फिर भी उन्हीं की तरह खुद के स्ट्स खुद परफॉर्म किए मतलब स्पेशली जो हैंड टू एंड फाइट सीन था हाँ, हाँ, प्रुण, प्रुण, नहीं आता नहीं आता अगर मैं कभी ऐसे झगड़े में लग गया तो फिर मारी खाऊंगा और कुछ नहीं मुक्काबाजी करना और मूवी के अंदर वो सीन्स देखते हो आप उनका फेस भी क्लियरली स्पॉट कर सकते हो कि हाँ बाबा एक्टर नहीं किया है कुछ टंट नहीं है वहाँ पे इस मूवी फ्रेंचाइज की बेसिक स्टोरी ऐसी है, है ना कि सीआईए नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का जिनका काम है यूएस के बाहर वाली कंट्री से इंटेलिजेंस गैदर करना और मतलब बेसिकली समझ लो दूसरे कंट्रीज के काम में टांग अड़ाना खुद की कंट्री को बचाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोफेशनली ट्रेंड असाशिन होता है जिसको मिशन पे भेजा जाता है वहाँ पे उसके साथ कुछ एक हादसा हो जाता है और वो अपनी यादाश्त भूल जाता है उसको नहीं पता वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ जिसके वजह से उसने अपनी बुला दी है। इस पॉइंट के आगे से चालू होती है जैसे मोन की स्टोरी जिसके अंदर उसको खुद के बारे में पता लगा ना कि वो एक्चुअल में है कौन और उसके पीछे जो लोग बार बार उसको मारने के लिए आ रहे हैं वो लोग कौन है और उसको क्यों मारना चाहते हैं जो की खुद इसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं क्योंकि उनको होती है। <laughs> और क्या बोलूं मैं? ये तो हो गया इसके स्टोरी की थोड़ी ऊपर ऊपर-ऊपर से बात है लेकिन वो जिसके आपको ये फ्रेंचाइज देखनी चाहिए सारा सारा यूज नहीं किया आप देखोगे तो जिस तरीके से इंसानों के हाथ और पांव तोड़ जाते हैं बापरे मतलब असली में हाथ पांव नहीं तोड़ जाते वहां पे उन्होंने लेकिन प्रैक्टिकली शूट किया है लेकिन यहाँ पे एक बात सच बोल रहा हूँ की अगर आप इस मूवी को देखने जा

गिन चूर के ऐसे शॉर्ट्स होंगे जो उन्होंने ट्राईपॉड पे शूट किए होंगे बस बाकी पूरी पिक्चर कैमरा अब ऐसा आंखें चलने लगती इतना ज्यादा घुस के देखना पड़ता है लेकिन ये वाला जो एस्पेक्ट है कि कैमरे को एकदम ऐसे हिला के शूट करना उसको लेके मैं बाकी मूवीज के अंदर कंप्लेन करता हूँ बट जेसन बॉन के केस में वो ऐसा नहीं है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो फिर आपको समझ में जरूर आएगा की चल क्या रहा है और जब सच में आपको दिखने लगेगा की एक्शन के अंदर चल क्या रहा है तो फिर आपको इसका असली मजा मिलेगा यहाँ पे ना जॉन विक पेंसिल से कैसे इंसानों को मारता है तो बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन जॉन विक के पेंसिल यूज करने से पहले जेसन बॉन ने पेन और बुक यूज किया है फाइट के अंदर हाथ के अंदर सममातक और जिस तरीके से जॉन विक का नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड के लोगों की फट जाती थी ना उसी तरीके से जेसन बोर्न का नाम सुनते ही सीआईए के अंदर जो मेन हेड था सारा ऑपरेशन देख रहा था वो खुद बोलता है ओह माय गॉड लग गए जीसस That's Jason इस फ्रेंचाइज की जो मूवीज थी ना वो सच में एक पॉइंट मुझे उतना थोड़ा कार्टूनिश लगा क्योंकि मूवी इतनी ज्यादा सीरियस है और साउंड इफेक्ट कैसा यूज कर रहे हो hmm? सेकेंड जो मूवी है इस फ्रेंचाइज के अंदर उसकी शूटिंग करने के लिए वो लोग गोवा आए थे इंडिया में गोवा जहाँ पे आज तक हम और आप नहीं जा पाए वहाँ पे ये फिरंगी लोग आके शूटिंग करके चले गए कब जाएंगे गोवा अगर मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे तो फिर कब खून खोलेगा तुम्हारा चलो जरा मतलब सारा कोरोना निकलने के बाद अभी मत जाना वरना पार्टीज में मजा नहीं कोरोना मिलेगा सेकंड पार्ट को लेके जो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे मिली ना कि उस मूवी के रिलीज होने के दो हफ्ते पहले पिक्चर जो है वो ऑलमोस्ट रिलीज होने वाली है सिर्फ दो हफ्ते बाकी है उसके और उस मूवी के डायरेक्टर को आइडिया आता है कि हमको बदल देनी चाहिए। जिसके लिए उन्होंने मूवी के मेन एक्टर को भी कन्विंस करी और पिक्चर रिलीज होने के दो हफ्ते पहले उन्होंने इसकी एंडिंग चेंज करके फिर से शूट किया खतरों के खिलाड़ी मैंने आप लोगों को बताया की जेसन बॉन फ्रेंचाइज के अंदर अब तक तो पांच मूवीज आ चुकी है और उसमें से जो सबसे बेस्ट मूवी कंसिडर किया जाता है उसका थर्ड पार्ट जिसको तीन ऑस्कर्स भी मिले हैं और बात सिर्फ ऑस्करस की नहीं बल्कि

उनको देखोगे ना तो फिर उसके अंदर आपको जो थ्रिल मिलेगा देखते हुए जिस तरीके से ये एजेंट्स वगैरह ऑपरेट करते हैं इसे एकदम छुप तो के निकलना पता लगाना कि कौन कहाँ पे कौन क्या कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है इस ट्रिलोजी के अंदर पहले तीन पार्ट के अंदर मैट डेमन का परफॉर्मेंस एस जे सिंबॉन इसके अंदर के एक्शन सिक्वेंसेज और जो एक पूरा मिस्ट्री थे <coughs> मिस्ट्री मिस्त्री मिस्ट्री, मिस्ट्री, मिस्ट्री मिस्� मिस्ट्री मिस्ट्री सही ना? की रहा है ना मिस्त्री क्यूबर रोम में वो और थ्रिलर का एलिमेंट हमको इस मूवी के अंदर देखने मिलता है उसके कारण इसको देखना तो चाहिए पहले तीन पार्ट जो कि आपको इंडिया के अंदर लीगली देखने मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और उनका हिंदी डब भी अवेलेबल है आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो बस देखने से पहले खुद को तैयार कर लेना की क्या आप इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ मूवी देखने के लिए रेडी हो या नहीं अगर रेडी हो तो फिर ये मूवी सच में वर्थ इट होगी तीन पार्ट पहले के बॉर्न आइडेंटिटी बॉर्न सुप्रीमसी बॉर्न अल्टीमेटम जाके जरूर देख लो और देखो इस मूवी के एक्शन सिक्वेंस

अपन खड़े होकर वीडियो बना रहा है बैठ के नहीं इसीलिए टोपी पहन के वीडियो बनाता है आधा घंटा इनसे कौन लड़ेगा नहा लेना चाहिए था नया नहीं इसलिए कल नहाया था ऐसे कर रहा है मैं वीडियो तो यार कैसे सब कुछ ठीक टीचर लाना मैं चलो ठीक नहीं ये इंट्रो नहीं देना था ना खुद खुद लग रहा है मैं गलत मिस्ट्री मिस्ट्री सही है <laughs> मिस्त्री के दिमाग में घूम हो रहा है मेरे भाई ओए Ugh. Yeah, 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 yeah.